आखिरकार 55 दिनों के बाद गिरफ्तार हो ही गया संदेश खाली का मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख, जिसने संदेश खाली के लोगों और महिलाओं की जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे एक आरोपी को पकड़ने में पश्चिम बंगाल की स्टेट मशीनरी यानी पुलिस को 55 दिनों का समय लग गया। क्या बंगाल में एक आरोपी को पकड़वाने के लिए अब हर बार 144 लगवानी पड़ेगी? क्या एक यौन उत्पीड़न के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए राज्य के विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बंगाल से दिल्ली तक हंगामा मचाना पड़ेगा और सेंट्रल फोर्सेस को भी बंगाल में तैनात करना पड़ेगा, तब जाकर कोई आरोपी पकड़ा जाएगा? या फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी राज्य की सत्ताधारी पार्टी की तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी का खास है? आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल में 55 दिनों तक चलने वाले इस पूरे खेल की कहानी। टीएमसी नेता और संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 28 फरवरी की रात उत्तर 24 परगना के मीनाखा से गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख मीनाखा के सरबेरिया इलाके में एक मछली फार्म के बीच बने एक फार्म हाउस में छिपा हुआ था। यहां से गिरफ्तार करने के बाद शेख को 29 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में लाया गया था, जिसके बाद इसे बंगाल पुलिस ने बशीरहाट कोर्ट में 29 फरवरी को ही पेश किया है। आपको बता दें कि शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए खास कोलकाता हाई कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि इसे पुलिस 7 दिनों के अंदर हिरासत में ले। पहली बार शाहजहां शेख उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय इसके गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें ईडी के कई अधिकारी घायल हुए थे। इसके बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था। कई कहते थे कि वो पश्चिम बंगाल में ही है और कईयों का मानना था कि शेख बॉर्डर पार कर बांग्लादेश भाग गया है, क्योंकि उसका एक घर वहां भी है। इस 5 जनवरी के हमले के बाद से ही ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही है और अब 55 दिनों के बाद वो पुलिस के हाथ आया है। ईडी की टीम पर हुए उस हमले के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों और संदेश खाली की हालत जानने के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष की बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर विरोध किया। महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों और संदेश खाली की हालत जानने के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष की बीजेपी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का जमकर विरोध किया। संदेश खाली में धारा 144 लगाई गई। विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। हालांकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख के गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस कहीं ना कहीं डर रही थी। पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख की तलाश सेंट्रल एजेंसीज को भी थी। अंत में जब कोलकाता हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया, तब कहीं जाकर 55 दिनों से सोई पश्चिम बंगाल पुलिस को अचानक शाहजहां शेख संदेश खाली से सिर्फ 31 किलोमीटर दूर मीनाखा के एक गेस्ट हाउस में शाहजहां शेख मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो क्या पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को बचा रही थी, या पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए पहले सिर्फ 30 किलोमीटर तक के दायरे में भी सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया, या ममता बनर्जी सरकार को ये डर सता रहा था कि अगर शाहजहां शेख को सेंट्रल एजेंसीज ने पकड़ लिया तो फिर मामला उनके हाथ से निकल जाएगा और फिर वो डायरेक्टली शाहजहां शेख की मदद नहीं कर पाएंगी? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।